और आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर चर्चा की है। फोन पर कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने जानकारी ली। इसके साथ ही ये भी बातचीत की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि केंद्र के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। राज्य में टेस्टिंग और ट्रेसिंग में भी तेजी आई है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट में निरंतर कमी आ रही है। तो फोन पर बातचीत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बातचीत की और तमाम हालातों की जानकारी उनसे ली है। इसके साथ ही सीएम भूपेश ने उन्हें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें तैनात कर दी गई है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है, अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की गई है। इसके साथ ही ऑनलाइन सुविधा भी इसमें जारी की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों को ये निर्देश दिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाई जाए ताकि समय पर उचित इलाज लोगों को मिल सके। और यही जानकारी छत्तीसगढ़ से भी उन्होंने ली है। तो तमाम जानकारी राज्य की सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को उपलब्ध कराई है। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी फोन लाइन पर हमें ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। मोहन, क्या कुछ बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम भूपेश बघेल के बीच? क्या जानकारी दी गई उन्हें? देखिए, छत्तीसगढ़ उन प्रदेशों में शामिल है जो जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमण रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यहां के मुख्यमंत्री से दूरभाष में बातचीत की है। कई प्रदेशों से उनकी बातचीत होने के बाद छत्तीसगढ़ का नंबर आया था। छत्तीसगढ़ से उन्होंने जानना यही चाहा कि अभी मौजूदा स्थिति में वो केंद्र से क्या मदद चाहते हैं। खास तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि वैक्सीनेशन अभियान क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक बार रोकना पड़ा था और वैक्सीन की कमी लगातार बनी हुई है। हालांकि एक खेप अभी आ गई है, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिन बाद फिर से उसकी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में वैक्सीन छत्तीसगढ़ को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने यहाँ की जानकारी दी कि कैसे छत्तीसगढ़ ने कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम उठाए, लॉकडाउन कितनी बार बढ़ाया गया और छत्तीसगढ़ में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो किस तरीके से विस्तारित की गई, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, ऑक्सीजन की कमी की स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं रही। तो जो यहाँ से कदम उठाए गए उनकी जानकारी दी गई और केंद्र से जो मदद खास तौर पर वैक्सीनेशन के लिए छत्तीसगढ़ चाहती है उसकी जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री को दी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए मोहन। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हर राज्य पर नजर बनाए हुए हैं और राज्यों को किसी तरह की परेशानी ना हो, टेस्टिंग बढ़ाई जाए, वैक्सीनेशन की कमी को किस तरह से दूर किया जा सकता है, ये तमाम बातचीत दोनों के बीच में हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री ने फोन पर बातचीत की और छत्तीसगढ़ के मौजूदा हालातों को लेकर जानकारी जुटाई है। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने यह भी बताया कि राज्य में टेस्टिंग और ट्रेसिंग में तेजी आई है। केंद्र के तमाम निर्देशों का पालन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है।